आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक है। आईपीएल के अगले सीजन के सिलसिले में 31 जुलाई को बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में सभी टीमों के मालिकों और बीसीसीआई के पदाधिकारियों के बीच एक मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में केकेआर के मालिक शाहरुख खान भी पहुंचे थे, जहां उनकी दूसरी टीम के मालिक नेस वाडिया से बहस हो गई। माहौल गर्म होने के बाद मीटिंग का फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकल सका है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मीटिंग इस मुद्दे पर रखी गई थी कि आगामी सीजन के लिए मेगा ऑक्शन रखा जाना चाहिए या नहीं। केकेआर के मालिक शाहरुख खान अगले मेगा ऑक्शन के खिलाफ थे, जबकि पंजाब किंग के मालिक नेस वाडिया चाहते थे कि ऑक्शन हो। शाहरुख ने मीटिंग में ये भी पक्ष रखा कि मिनी ऑक्शन हो और उनके ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, जबकि नेस वाडिया ने इससे साफ इनकार कर दिया। इस मुद्दे पर चर्चा जारी ही थी कि दोनों के बीच अपने अपने मुद्दों पर बहस शुरू हो गई। बहस के बीच सभी टीमों के मालिक दो गुटों में बढ़ गए। एक रिपोर्ट के अनुसार सनराइज हैदराबाद की मालिक काव्या मारन शाहरुख खान के सपोर्ट में उतरी। चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियन, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के मालिकों ने भी शाहरुख के पक्ष पर सहमति जताई है। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।